नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। हम लगातार बीपीएससी की बहालियों की चर्चा करते हैं, लेकिन बहालियों के बाद अफसरों के साथ फील्ड में किन परिस्थितियों में नौकरी करना होता है ये भी जानना जरूरी है। अगर हम बात करें बीपीएससी के द्वारा चयनित होने वाले एक महत्वपूर्ण अधिकारी आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि ब्लॉक में अंचलाधिकारी के पद पर तैनात होते हैं, अगर देखा जाए तो आज के दिन में सबसे बिहार का रिस्की जॉब यही है, जिसमें आपको कानूनी कार्रवाई होने का भी डर है, गिरफ्तारी का भी डर है और जानलेवा हमला का भी डर है। वजह क्या है आपको बता दें, कल रात ही कतरीसराय जो कि नालंदा जिले का एक प्रखंड है, वहाँ के अंचलाधिकारी के सरकारी आवास में उन्हें बाहर से बंद कर दिया गया और उनके वाहन में आग लगा दी गई। और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक भीड़ जो है वो सीओ साहब को घर में ही बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास कर रही थी। इससे पहले ही कुछ दिन पहले बोचहा में, आपको याद होगा, बोचहा मुजफ्फरपुर में, वहाँ के भी सीओ पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया। अभी सीतामढ़ी में ही बेलसंड में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो सीओ के ऑफिस में घुस गया और उनके साथ बदसलूकी किया गया। और बताएं आपको हम कि जो अंचलाधिकारी है बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर जाते हैं और आज के डेट में सबसे बड़ा जी का जंजाल इनके लिए बना है जमीन का सर्वे, म्यूटेशन कराना है, जमाबंदी कराना है। और बताएं आपको हम कि ये इतना पेचीदा काम है कि 2013 से लैंड सर्वे चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और ऐसी परिस्थितियां इन लोगों के सामने बना दी गई है कि आज के समय में बिहार के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए वो सीओ के पद पर तैनात है। नहीं तो जितना ये रिस्की जॉब हो गया है, अब देखिए आप, लैंड सर्वे चल रहा है 2013 से, 18 जो जिलों में है वो करना था, आज तक नहीं हुआ। और एकाएक से सरकार जो है प्रेशर डालने लगी इन पर। और देखिए कि लैंड सर्वे में आखिर कैसे काम होता है, जितने भी लैंड सर्वे होने वाले हैं उसका जो है वो जगह पर जाके निरीक्षण करना है। सबसे पहला बात तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जो कागजात होते हैं जमीन के वही आधा अधूरे हैं। और जमीन के खेल में जितना दो नंबरी खेल किया जाता है, आप ही देखें ना, हमेशा जो है जमीन विवाद, जमीन किसी और का कोई और बेच देता है, भाई में भी बंटवारा हुआ नहीं, एक पटीदार बेच दिया, गोतिया जो है वो दूसरे से पैसा ले लिया, और नकली कागज बनाना, पैसे देकर कागज गायब करवा देना, ये सब खेल चलता है। और आप सोचिए कि 2013 से अभी तक लैंड सर्वे क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सीओ के छोड़कर बाकी जितने भी कानूनगो हैं, इंजीनियर हैं, जो लोग इस जमीन सर्वे में लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, संविदा पर रखे हुए हैं। और बताएं आपको हम कि ये इसलिए 10 सालों से लटकाए हुए हैं कि अगर ये जमीन सर्वे कर देंगे इनका नौकरी समाप्त हो जाएगा। और यही वजह भी है कि जमीन सर्वे में करोड़ों का खेल चल रहा है बिहार में। अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए हैं प्रखंड में जमीन का काम करने के लिए कर्मचारी, यही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर है, नहीं कमाएंगे तो फिर इस तरह भी जाना है। तो देखिए ये दोहरा मार लग रहा है, यानी कि एक तो आप समय भी ले रहे हैं, एक आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और दूसरा चीज सारा ठेकरा जो है अंत में सीओ के पास ही फोड़ा जा रहा है। मंत्री जी कह देते हैं कि सीओ बिना पैसे के काम नहीं करता है, फील्ड में सबसे ज्यादा जो है बदनामी सीओ की ही हो रही है, लेकिन सीओ अकेला कैसे करेगा। आप सब बताइए कि जमीन का जो लफड़ा जो है वो कितना पेचीदा होता है कि कोर्ट को भी सॉल्व करने में दो दो तीन तीन पीढ़ी लग जाता है, और यहां पर सरकार डंडा चला रही है कि 10 दिन में आप करके दें। क्या पहले, आज से पहले जमाबंदी म्यूटेशन जो है क्या 10-10 दिन में हुआ है कि अब हो जाएगा? क्या आपने सॉफ्टवेयर वैसा डेवलप किया है? क्या आपने जमीन सर्वे करने के लिए पहले से कागजात को अपने दुरुस्त किए हैं? कुछ नहीं हुआ है। ऐसा सर्वर दिया गया है जिसमें आप म्यूटेशन करें, जमाबंदी करें,
होता ही नहीं है, लटका रहता है। और इसमें जो खबरें मिलती हैं कि जानबूझ के इसे लटकाया जाता है, न जाने कितने सीओ हैं। जब घटना हुआ हमने बात किया, उनका कहना है कि देखिए एक छोटे छोटे चीज के लिए इतना जनप्रतिनिधियों का प्रेशर आता है, हम जिस परिस्थिति में अभी नौकरी कर रहे हैं वो आसान नहीं है, जान का खतरा है। और देखिए हमारे पास बिहार पुलिस के भी जवान नहीं दिए गए हैं बॉडीगार्ड के रूप में, होमगार्ड के जवान दिए गए हैं, और होमगार्ड के जवान की अपनी स्थिति जानते हैं, एक बच्चा भी उनसे नहीं डरता है। तो आप जो हैं बिहार के सीओ को इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और इतना रिस्की, खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में क्राइम का 60% से अधिक जो मामला है वो जमीन के कारण है, और इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है कि जमीन सर्वे हम करवा लेंगे तो सब कागज दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो करने वाले अधिकारी हैं उनको आपको संरक्षण देना पड़ेगा, सरकारी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि वो दोधारी तलवार पे चल रहे हैं। एक तरफ जनता जो है दुश्मन है, क्योंकि उनके बीच में अपना जमीन विवाद है, और हर एक पक्ष चाहता है कि हमारे फेवर में सीओ साहब काम करें, और सही भी काम वो करते हैं सीओ साहब, तो एक पक्ष जो है दुश्मन बन जाता है, या दोनों पक्ष कभी कभी दुश्मन बन जाता है, और सरकार भी दुश्मन बने हुए हैं। जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, चाहे मंत्री जी भी लगातार जो है सीओ पर हमला करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी वास्तविक समस्या क्या है, क्या उन्होंने जानने का प्रयास किया कि एक प्रखंड आप जानते ही हैं, प्रखंड जो है बिहार में एक से एक सुदूर इलाकों में बसे हुए हैं, जहां जाने का भी अच्छे से रास्ता नहीं है, ना आवास की सुविधा अच्छे से मौजूद है, और वहां पर वो ड्यूटी करते हैं, और लोकल ग्रामीण अगर उनके जमीन के मामले में वो कड़ा कार्रवाई करते हैं जैसा कि नियम कहता है, सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेते हैं। और ये लैंड सर्वे ही ऐसा मामला बना है कि आपको बता दे कि बिहार में अभी सीओ जो है रात के 3-3 बजे तक काम कर रहा है, और अगले दिन सुबह 8 बजे से फिर वो जमाबंदी के लिए, लैंड सर्वे सब के लिए निकल जा रहा है, और डर है उन्हें। हमारी कई सीओ से बात हुई है, उनका कहना है कि जमाबंदी में अगर हम जाके फील्ड में अगर हम निरीक्षण नहीं करेंगे, हर एक कागजात देखेंगे, इसमें घंटों और दिन लग जाता है एक काम करने में, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हुआ सीधे हम पर FIR दर्ज होगा, हमें जेल जाना पड़ेगा, और बैठे बैठे हम कर नहीं सकते हैं, और ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन सरकार ऊपर से एकदम ऑर्डर दिए हुए, लगता है चुटकियों में हो जाने वाला काम है, जो काम 10 सालों 11 सालों में नहीं हुआ वो 10 दिन में कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो सीओ को 2-3 चीज करना चाहिए, सीओ के अंडर में आप स्टाफ की संख्या बढ़ाएं, वो भी स्टाफ परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि उन्हें डर हो कि हम समय से काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बनाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले को आपने दे दिया, वो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाए रखने के लिए, वो काम 20 साल तक नहीं करने वाले हैं, और वही जो है भ्रष्टाचार भी बढ़ा रहे हैं। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है वो हर एक चीज में भ्रष्टाचार बढ़ाया है। पुल पुलिया ही देख ले क्यों गिरा, कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर गए थे 2-3 साल के लिए, उन्हें पता था कि जितना कमाना है कमा लो, जब हम हटेंगे उसके बाद ये पुल गिरेगा, हमारी जिम्मेदारी रहेगी नहीं, और यही कारण है कि पुल पुलिया गिरने पर किसी पर कार्रवाई नहीं हो पाई। या हुआ भी तो वैसे अधिकारी जो कि सरकारी थे, क्योंकि वो लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ कमानी नहीं है उसका। तो एक तो देरी, ऊपर से भ्रष्टाचार, और सारा का सारा ठिकरा फोड़ा जा रहा है सीओ पर। आपको बता दें हम कि न जाने कितने सीओ से हमारी बात हुई है, और सबका यही कहना है कि भाई हम 70वीं सिविल सेवा देने जा रहे हैं, हमको कोई भी दूसरा उसमें पद मिल जाएगा उसे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमें अब अंचलाधिकारी नहीं रहना है, ये नौकरी हमें जीने नहीं दे रही है। रोज जो है हमले का डर रहता है, नौकरी जाने का डर रहता है, कार्रवाई होने का डर रहता है, अपनी बेइज्जती होने का डर रहता है, क्यों करें हम ऐसी नौकरी। और हमारा साथी जो है हमें सहयोग करने वाला, हमारा डिपार्टमेंट भी नहीं है, हमारे मंत्री जी भी नहीं है, देखा जाए तो हम अकेले हैं, और अकेले ही सारा काम भी करना है, अपनी रक्षा भी करना है, और सरकार ने हमें गार्ड के नाम पर होम गार्ड के जवान थमा दिए हैं,
जिनसे कोई नहीं डरता। तो जरूरी है सीओ जो हैं आधार स्तंभ है प्रशासन के, भू राजस्व के क्षेत्र के, सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ही होता है। विभाग जितने भी ये सचिवालय में बैठकर एसी कमरों में बैठकर निर्णय लेता है उसको जमीन पर उतारना, लागू करना, फीडबैक देना, सब कुछ सीओ के हाथ में है। अब देखिए अभी आप, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, कल ही खत्म हुआ है, कितना जगह मेला लगा हुआ है, विधि व्यवस्था है, सारे जगह सीओ की तैनाती मजिस्ट्रेट के रूप में की गई है। रोड जाम हो, दुर्घटना हो जाए, सभी जगह सीओ को जाना है, म्यूटेशन करना है, जमाबंदी करना है, लैंड सर्वे जैसा इंपॉर्टेंट और झंझटिया काम करना है, ये सब कुछ सीओ के हवाले किया गया है। तो बता दें आपको हम, ये बिहार सरकार के सरकारी जो हैं सेवक हैं, सरकार के लोग हैं, दोधाली तलवार पर चल रहे हैं और आज इनकी जान पर बनाई है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, तभी ये अपना 100% सरकार को दे सकते हैं। नहीं तो आज के स्थिति में सरकारी नौकरी बचाने के लिए ये सीओ जो हैं जान हथेली पर लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। गुजारिश है सरकार से कि इनकी समस्याओं को भी सुना जाए, इन्हें सुरक्षा दिया जाए, तब जो है परिणाम की कामना की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।